जब नई कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। शुक्र है, हमारी आंखों में रोशनी आ गई। अम्मी जान, हम देख सकते हैं। अब हम पूरा देख सकते हैं। या अल्लाह, परवरदिगार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है अल्लाह। एहसान है मेरे रब, एहसान है मेरे रब, एहसान है मुझ पर। ऐ नेक सीरत बहादुर इंसान सिंदबाद, तुम हमारी जिंदगी में फरिश्ताए रहमत बनकर आए हो। मांगो, क्या मांगते हो? हमारे शाही खजाने से जितनी भी दौलत चाहो ले सकते हो। किसी का दुख दूर हो जाने पर मुझे जो खुशी मिलती है वही मेरी असली दौलत है, मेरा इनाम है बादशाह सलामत। फिर भी कुछ तो मांगो सिंदबाद, कुछ तो हमसे ले लो, हम तुम्हें कुछ न कुछ देना चाहते हैं। अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दुआ दीजिए। यह दुआ दीजिए कि मैं हमेशा इंसानों की खिदमत कर सकूं। वाह सिंदबाद, वाह, तुम सचमुच इंसान नहीं, फरिश्ता हो, फरिश्ता। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इरादों में हमेशा कामयाब करे। आमीन, आमीन, आमीन। सदा आबाद रहे आप, सदा खुश रहे आप, सदा तंदुरुस्त रहे आप। आमीन, आमीन। आंसू कैसे? क्या कोई खता हुई है मुझसे? नहीं। तो फिर क्या बात है? क्या ये सब कुछ कम है? अगर कोई कमी रह गई हो तो मोहतरमा मुझे हुक्म दें, मैं अभी हाजिर किया देता हूं। बोलिए, क्या चाहिए आपको? ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। जो कुछ भी तूने दिया है तू वापस ले ले, मेरा सवाल तू पूरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह के फजलो करम से मैं हर सवाली का सवाल पूरा कर सकता हूँ। मैं आपकी हर तरह से खिदमत और मदद कर सकता हूँ। सिंदबाद, तू अमीर की खिदमत और मदद कर सकता है, तू बादशाह बेटी के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है। अरे, अगर तू किसी गरीब के बेटे की मदद करे
तो हम जाने कि तू वाकई में अल्लाह का सच्चा बंदा है और अमीर गरीब सबको बराबर समझता है। अम्मा अम्मा मैं सबको बराबर ही समझता हूँ। हाँ आप मुझे ये बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? मैं बड़ी दूर से तेरा नाम सुनकर आई हूँ बेटे। मैं शहर सीस्तान की रहने वाली ममता की मारी एक दुखिया माँ। किसने दुखी किया है तुमको? कौन है वो जालिम जिसने तुम्हें सताया है? क्या हुआ है तुम्हें? अम्मा मुझे बताओ। अम्मा अम्मा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अम्मा मुझे बताओ। मेरी गोद सूनी कर दी गई, मेरा प्यारा बच्चा, मेरे बच्चे को वो मुझसे छीन के ले गई। कौन छीन कर ले गई? कौन है वो? क्या नाम क्या पता है उसका? कोई पता नहीं, कोई नाम नहीं मालूम। कहां से आई थी, कहां चली गई, कोई पता नहीं। बस वो मेरे बच्चे को उठा कर ले गई, वो मेरे बच्चे को उठा कर ले गई। एक दिन जब मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही थी तो ए माँ, तेरे बच्चे की खैर हो, तेरा बच्चा सलामत रहे। भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दे, कुछ दे दे माई, दे दे कुछ खाने को मुझे। बीमार हूँ, दवा के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। दे दे, मैं भूखी मर रही हूँ माँ, मुझे मरने से बचा ले। देख तेरे बच्चे का झूठा खाना ही खिला दे। नहीं नहीं, बहुत भूखी हूँ। झूठा क्यों? मैं अभी लेकर आती हूँ। लो पानी पियो। मैंने अपने लिए थोड़े से चावल बचा कर रखे थे, वो तुम्हें लाकर देती हूँ। तुम खाओगी तो मैं समझूंगी जैसे मेरा पेट भर गया। मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। Thank you.
उठा कर ले गए, उसका कोई पता नहीं चला। मैं दर दर भटक रही हूँ। आज 2 महीने से मेरी आंखें और मेरे आंसू उसे तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदे सिंदबाद, मेरी मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा, अल्लाह तुझे इस नेकी का बदला देगा, मुझे मेरे बच्चे से मिला दे, मुझे मेरे बच्चे से मिला दे, मुझे मेरे बच्चे से मिला दे। अम्मा, अम्मा रो नहीं, अम्मा रो नहीं, रो नहीं। अम्मा तुम्हारे ये आंसू अब कर्ज है मुझ पर, और ये कर्ज तभी उतरेगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवा दूंगा। नामुमकिन सिंधवाल, नामुमकिन, नामुमकिन। कैसे मिलाएगा सिंधवाल? वो तुझे नहीं मिलेगा, ना पता है ना ठिकाना मालूम। आज तू आजमाइश में फंसा है सिंधवाद, आजमाइश में। आज तेरी हिम्मत, बहादुरी, इंसानियत, खुदा पर भरोसा, हौसला और ईमान की आजमाइश है। तेरा इम्तिहान है सिंधवाद, तेरा इम्तिहान है। अगर तू नाकाम हो जाएगा तो तेरा नाम काला हो जाएगा, दुनिया का भरम टूट जाएगा। बगदाद के लोगों को तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा सिंधवाद। और अगर रास्ते की परेशानी, मुश्किलें, तूफान तुझे खा गए तो तू इसके बेटे को इससे कैसे मिलाएगा सिंधवाद, कैसे मिलाएगा? ताज्जुब है आमिल दरवेश, आप ऐसा कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा सिंधवाद। मेरे कब्जे में जो जिन्नात हैं वो मेरे कान में कह रहे हैं कि इसका बेटा एक ऐसी भयानक और खतरनाक जगह पर कैद है जहां इंसान तो क्या, इंसान का ख्याल तक नहीं पहुंच सकता। दुनिया की नजरों से छुपी हुई समुंदर की वो जमीन जिसे काला जजीरा कहते हैं। काला जजीरा? हाँ, काला जजीरा, काला जादू करने वालों की बस्ती। देख सिंधवाद, देख, यह है काला जजीरा, देख। देख, समुंदर के अंदर से पैदा होकर बाहर दिखाई देने वाला काला जजीरा। देख 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 सिंधवाद, और पता आज तक दुनिया के किसी भी इंसान को मालूम नहीं हो सका, क्योंकि दुनिया के नक्शे में जगह मौजूद नहीं है। इस बस्ती के रहने वाले लोग इतने जाहिल और अंधे अकीदे वाले हैं कि शैतानों को अपना खुदा समझते हैं और इंसानों के सर काट कर उन्हें चढ़ाते हैं। इस काली हुकूमत के बादशाह की बीवी मलिका तागोती बांज औरत है। वो बांझ औरत इस दुखिया माँ का मासूम बच्चा और दूसरे मासूम बच्चों को अपने झूठे शैतानी खुदा के सामने कुर्बान करने के लिए ले गई है। यलगार, भेंट चढ़ाने के लिए कुर्बानी का आदमी लाओ। Mm-hmm.
शैतान की बेटी, मेरी ये कुर्बानी कबूल कर। इस नौजवान के सर का नजराना मैं तेरे हुजूर में पेश करती हूँ। इसे कबूल कर, इसे कबूल कर। इस नौजवान के सर का नजराना मैं तेरे हुजूर में पेश करती हूँ। इसे कबूल कर। जाजाल, काट दे, इसका सर काट डाल। जल्दी कुर्बानी दे जाजाल, काट दे इसे। ऐ शैतान की बेटी, इस इंसान के खून से प्यास बुझा। पी जाए इसका खून और खा जाए इसका सर। मलिका दाऊदी की ये खूनी कुर्बानी कबूल कर, उसके दिल की मुराद पूरी कर। ऐ काले जजीरे की ताजदार खूनी मलिका, हमारे शैतान की बेटी ने तेरे इंसान के खून और उसके सर की कुर्बानी कबूल कर ली है। अब इन सब की बारी है, इन सब बच्चों की। सूरज ग्रहण के दिन एक एक बच्चे का सर काट कर मैं अपने जुल्म व गुनाहों की मलिका शैतान की बेटी के कदमों में चढ़ा दूंगी। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।